सो हे फैमिली, कैसे हो आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। एंड बहुत मतलब रात बनी सोया, अब निकल रहे हैं मैं और मैं भी ऋषभ। अनप्लान्ड प्लान था, मतलब हमने कुछ प्लान नहीं किया था, ऐसे ही एक दो दिन में ही हुआ प्लान। तो हम केदारनाथ जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा जाता है सफ़र। और नींद आ रही है तो कॉफ़ी पीते हैं जल्दी से, थोड़ा आगे पे दिखाऊंगा व्यूज़ वगैरह, तब पहुँच के बताते हैं। एंड चलते हैं, लेट्स गो। क्या बोल रहे हैं केदारनाथ? बस्ते 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 अरे भाई। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं जाम लग चुका है, और अभी हमें उखी मठ में उखी मठ है ना, ये उखी मठ में देखो आप, ये है हिमालय पर्वत। वाह यार, कितना प्यारा लग रहा है। कल यहाँ पहुँचेंगे तो कल मैं पास से दिखाऊंगा। और जाम लगा है तो चलते हैं, लेट्स गो। शू या सो गाइस, हम बस 20 किलोमीटर दूर हैं और रोड तो बहुत ही गंदी है, पब्लिक टॉयलेट्स बहुत गंदे हैं, सब मतलब यहाँ पे मतलब बहुत लोग हैं, भीड़ बहुत है, ट्रैफिक बहुत था। नींद आ रही है, कल रात से सोया नहीं हूँ और डाइट भी नहीं ली ढंग से। दो तीन दिन तक तो डाइट थोड़ा रहेगी ख़राब, पर कोई नहीं, सही है। व्यू देखो आप पीछे का, एकदम मस्त। सो जैसे ही अब सोनप्रयाग पे रुकना पड़ेगा, अगर होटल मिलता है तो ठीक है, वरना वापस आना पड़ेगा, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि होटल्स वहाँ फुल है, यात्रा सीजन है ना इसलिए। तो चलते हैं, लेट्स गो, मज़ा आएगा। एंड दिखाता हूँ, और रूम पे जाके तो पहले खाऊंगा फिर सोऊंगा, बहुत भूख भी लग रही है, तो चलते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हो, मैं पहुंच चुका हूं सोनप्रयाग, और यहां का व्यू इतना प्यारा है ना, क्या ही बोलूं। और ठंड ठंड तो इतनी ज़्यादा लग रही है कि क्या ही बताऊं। श्रीनगर से आ रहा था तो उस टाइम पे श्रीनगर में 37 डिग्री सेल्सियस था, यहां आके 8 डिग्री हो गया, और केदारनाथ में 6-4 जाता है, तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी ठंडी है, बीमार भी पड़ सकता हूँ, और बारिश होने का मौसम है। तो अब देखते हैं क्या होता है, रूम में चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, रूम मिले ही नहीं, तब यही छोटा सा रूम मिला है, मुश्किल से वो भी। सो गाइस, रूम देख ही लिया होगा आपने, कितना छोटा सा है, इसका 2000 रुपये रेट ले रहे हैं, मतलब इतना महंगा है। एंड दो दिन का है तो 4000, और सही है, आज रेस्ट करेंगे, कल जाएंगे ट्रैक पे, कल ट्रैक का सब दिखाऊंगा सीन वगैरह। नींद आ रही है, एंड यहाँ से बाहर का व्यू भी दिखता है, अभी शटर नहीं खुला हुआ, जब शटर खुलेगा तो मैं व्यू भी दिखाऊंगा बाहर का, होप सो दिख रहा हो हल्का फुल्का। तो चलते हैं अब, थोड़ा फ्रेश होके खाने के लिए, उसके बाद सोते हैं, फिर रात को उठेंगे तो ठीक है, वरना कल सुबह का दिखाऊंगा सीधा। सो ये दिखा देता हूँ, अन्नपूर्णा टूरिस्ट रेस्ट हाउस, सीतापुर में है ये, और 5 रूम नंबर है, तो चलते हैं, लेट्स गो। सो हम पहुँच चुके हैं, एंड कल निकलेंगे ट्रैक के लिए, बहुत थक चुके हैं, अभी कुछ खाने चल रहे हैं। सो देखते हैं, कुछ मेरे लायक मिलेगा तो नहीं खाने के लिए, बट ढूंढते हैं कुछ मिल जाए, तो लेट्स गो। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा पार्किंग लगी है, और ये कुछ भी नहीं है, आगे पे और पार्किंग है, और ये एक पार्किंग का चार्ज 50 रुपीज़ करते हैं, बाइक का, कार का पता नहीं। और मैंने यहाँ से अपने लिए शिलाजीत ली, जो कि प्योर मिल रही थी, और पहाड़ों की शिलाजीत तो प्योर ही होती है, तो सही रेट पर मिल गई, तो मैंने 2 डब्बे ले लिए। एंड बहुत भूख लग रही थी तो ब्रेकफास्ट भी कर लिया, एंड बस यही था ब्रेकफास्ट वगैरह, एंड सोने जाते हैं अब। सो ये गाइज, उठ चुका हूँ और
तीन बजे उठ गए थे, दो घंटे भी नहीं सोए मुश्किल से, एंड जुकाम था वो और बढ़ गया। अभी विक्स लगाई है तो थोड़ा ठीक लग रहा है, पर जुकाम बहुत बढ़ गया, तबीयत खराब सी हो रही है। यहाँ ठंडा बहुत है, 6 डिग्री सेल्सियस है अभी, और ऑरेंज अलर्ट भी आ गया है, तो देखते क्या होता है, जान देते हैं, नहीं दिखाता हूँ, जल्दी चलते हैं और आगे दिखाता हूँ क्या क्या होता है। तबीयत खराब है गाइस, लेट्स गो। तो गाइस बादल देख सकते हो आप ऐसे लगे हैं रात के टाइम पे, तो अभी कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि ऊपर तो मिलेगा नहीं। सो मुझे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैक करना है, तो कोकोनट वाटर बहुत काम आने वाला है मुझे हाइड्रेट रखने में, एंड बारिश का मौसम था तो मैंने बरसाती भी ले ली है, जो कि यहाँ 3 बजे खुल गई दुकान, 3 या 2 बजे, तो बरसाती भी ले ली है। तो अभी चलते हैं ऊपर, एंड भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा है गाड़ियों की, हौच पौच मुझे दिखा। सो गाइस देख सकते हो आप कितनी ट्रैफिक है, मतलब पार्किंग है, कितना ट्रैफिक है, रश है बहुत ज़्यादा, लाखों लोग आए हैं, लाखों गाड़ियां लगी होंगी, तो लाखों क्या मतलब करोड़ों भी हो सकता है, हर स्टेट से आ रखे हैं। तो देख सकते हो अभी ऊपर दिखाता हूँ, वाओ मैन, अभी यहाँ तो नहीं है, वो बंद कर दो। सो गाइस पार्किंग लगा चुके हैं और अभी चलते हैं मार्केट, यहाँ से रास्ता है गौरीकुंड का, ट्रैकर में बैठ के जाएंगे, देख सकते हो कितनी रश है, तो चलते हैं, लेट्स गो बेबी। सो हम आ चुके हैं गौरीकुंड में, और यहाँ पे बोर्ड में लिखा है केदारनाथ फुट ट्रैक 16 किलोमीटर, और ये यहाँ का बोर्ड है, और गौरीकुंड का जो भी नदी है यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी प्यारा व्यू है, और गौरीकुंड बहुत ही अच्छी जगह है, लाइक वहाँ पे एक कुंड है जिसमें आप नहा सकते हैं, और वो कुंड में गर्म पानी आता है, तो गर्म पानी इतना प्यारा होता है, उसमें आप चावल भी बॉयल कर सकते हो, समझ रहे हो, आप चावल भी बॉईल कर सकते हो, इतना प्यारा गर्म पानी होता है उसमें, नहा के आपके सारे पाप धुल जाते हैं। और ये दुकान में मैंने रुद्राक्ष माला देखी, बहुत प्यारी लगी हुई थी, एंड भीड़ देखो आप इतनी ज़्यादा थी, इस टाइम तो सुबह सुबह निकले थे हम 4 बजे, तो इस टाइम पे भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो भीड़ ज़्यादा थी तो बहुत टाइम लग रहा था जाने में, लोग पता नहीं घोड़े ले रहे थे, बच्चे का मन नहीं कर रहा, रो रहा चिल्ला रहा था, अभी भी उसको बैठा रहे, पता नहीं क्यों जानवरों की ऐसे जान लेने पर तुले रहते हैं लोग। एज यू ऑल गाइस नो केदारनाथ बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है, तो ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है, 4-5 किलोमीटर ही चल के, और काफ़ी लोग घोड़े यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, इतने जवान हो गए भी। सो गाइस बहुत ट्रैक कर रहे हैं और बहुत ही थक गया हूँ, और यहाँ से व्यू देख सकते हो आप कितना प्यारा आ रहा है, अभी जंगल चट्टी पर पहुँचा हूँ, अभी तो बहुत ट्रैक बचा है, लाइक 2 ही किलोमीटर चला है, एंड यहाँ से व्यू बहुत प्यारा दिख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कैप्चर कर लूँ, और बहुत भूख लग रही थी क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो थोड़ा हम खीरा खा रहे थे, यहाँ खीरे ही मिल रहे हैं क्योंकि, तो इसलिए खीरा ही खाना पड़ रहा था, एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे खा रहे थे, तो सही था खीरा खाना यहाँ पे, एंड बहुत ही जूसी थे, और इन्होंने भयंकर मिर्च इतनी ज़्यादा डाल दी कि क्या ही बोलूँ। सो गाइस पहुँच चुके हैं, 4 किलो या 3 किलोमीटर चल गया, अभी बहुत बचा है, हालत अभी से ख़राब हो चुकी है, पर देखते हैं कैसा जाता है सफ़र, एंड चलते हैं, व्यूज़ दिखाता रहूँगा एंड तक, देना क्या पता लंबा भी बन जाए, तो कोई पता नहीं है सही, तो चलते हैं, एंड कोकोनट वाटर पी रहे हैं हम हाइड्रेट रहने के लिए। सो गाइज यहाँ पे वाटरफॉल देख सकते हो आप, इतना प्यारा वाटरफॉल है, क्या ही बोलूँ, मतलब केदारनाथ बेस्ट जगह है घूमने के लिए भी, एंड ये नाश्ता कर रहा हूँ बहुत टाइम बाद, और व्यू तो भाई बहुत अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, हिमालय पर्वत इतनी दूर है अभी हमसे, और उसी हिमालय पर्वत के आगे पे केदारनाथ का मंदिर है, तो बहुत ही मज़ा आएगा जब हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे, एंड व्यू देख के तो भाई साहब इतना मज़ा आ रहा था ना, पर जो थकान लग रही थी वो व्यू देख के सारी मिट जा रही थी, तो सही है चलते हैं। सो गाइस पहुँचने ही वाले हम कुछ टाइम बाद, 1-2 घंटे लगेगा, और बहुत फट चुकी है, और क्या ही बोलो, सारा कार्डियो हो गया, जितना भी चीट मिल लिया था सब निकाल दिया, एंड चलते हैं देखते हैं क्या क्या होता है ऊपर। सो भीमबली क्रॉस करके देख सकते हो आप भीमबली का व्यू कितना प्यारा है, एंड इसके बाद जाना है हमने लिंचोली, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली,
तो व्यू देख सकते हो आप कितना प्यारा आ रहा है। ये छोटी लिंचोली है एंड व्यू तो बहुत ही अमेजिंग है। बहुत ही प्यारा वेदर हो रखा है, बहुत ही प्यारा, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब कुछ वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। और अभी अभी मैं पहुँचा हूँ रुद्रा पॉइंट, जहाँ पे मैं बैठ के रेस साहब का वेट करूँगा एंड बहुत थक चुका हूँ, तो क्या ही बोलूँ, थोड़ा मौसम के मज़े लिए जा रहे हैं एंड मतलब पहली बार ज़िंदगी में इतना चला हूँ मैं, कभी नहीं चला भाई मैं इतना एक दिन में, वो भी 16 किलोमीटर, और वापस भी जाना है अभी 16 किलोमीटर। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है मेरे पैरों की। और ये पता नहीं लोग घोड़े में क्यों जा रहे हैं, मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा क्या मिल रहा है ना घोड़े में जाके, पता नहीं भाई, पैदल चलो जैसे और लोग चल रहे हैं, पर नहीं हमें तो भाई घोड़े में जाना है। बस अब बस 1 किलोमीटर बचा है केदारनाथ, और बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैं पैदल पहुँचा हूँ भगवान से मिलने एंड मेरी यात्रा सफल होगी अब जाके। और यहाँ पे टेंट भी लगे हैं जिन लोगों को रुकना होता है, पर बहुत ठंड है भाई, मैं तो कभी ना रुकूँ टेंट में। और ये झील इतनी प्यारी कि क्या ही बताऊँ, ये झील के सामने ही केदारनाथ मंदिर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्या ही बोलूँ। बाकी केदारनाथ तो दिख ही रहा होगा आपको टेम्पल, तो चलते हैं, बस पहुँच ही गए। एंड यहाँ पे हेलीपैड सेंटर है, यहाँ पे हर 5 मिनट में 4 से 5 हेलीकॉप्टर्स लैंड कर रहे थे, जिन लोगों को ट्रैकिंग नहीं होती, जिन लोग घोड़े पे नहीं आते, जो बहुत ही अमीर ज़ादों के लड़के होते हैं या फिर बहुत अमीर ज़ादे होते हैं, जिनको हर चीज़ भाई मुंह पे चाहिए कि कुछ मेहनत नहीं करनी भगवान से मिलने के लिए, और हम चलेंगे बस एक कदम चलेंगे और भगवान जी मिल जाएंगे। तो ऐसा थोड़ा ना होता यार, आपको मेहनत करनी पड़ती है भाई, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, और अगर आसानी से मिलती है ना तो उसका कोई फल नहीं है, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, भगवान जी कोई खुश नहीं होंगे आपकी हरकतें देख के। आप पैसों से मतलब कुछ भी कर दे रहे हो भाई, एक श्रद्धा होती है ना मन में, अगर आप पद यात्रा करते पैरों से चलते तो आपको पता चलता कि असली यात्रा किसे बोलते हैं। जो मन में आस्था लेके लोग आते हैं ना, जो पैदल चलते हैं, उन्हीं में मतलब कुछ होती है, क्या बोलते हैं उसे, डेडिकेशन होता है भगवान जी से मिलने का। हेलीकॉप्टर में तो कोई भी आ जाए भाई, पैदल जो चले वो इंसान है। सो अब पहुँच ही चुके हैं हम फाइनली, एंड 800 मीटर बचा है, बहुत मुश्किल से पहुँचे, और देख सकते हो आप मंदिर बस हमारे कुछ कदम की दूरी पर है। एंड बारिश आ रही थी अभी बंद हो गई, तो चलते हैं व्यू दिखाएंगे मंदिर का। देख सकते हो, दिख रहा है क्या मंदिर? दिखा मंदिर, दिखा दिया मैंने, जूम किया तूने वहाँ पे, चलते हैं लेट्स गो। सो गाइस, ये पता नहीं क्या है, क्या है इसका टैग, ये मंदिर में जाने के लिए मिला है, तो चलते हैं अंदर। बहुत लंबी लाइन है, देखते हैं कैसा रहता है सीन, और ठंड बहुत है टी शर्ट में तुम्हारा भाई, लेट्स गो। सो बहुत सारे फैंस मिले मुझे, एंड ये फैन झारखंड के थे, जमशेदपुर साइड के, बोल रहे थे कि सिंका के यहाँ के, तो इनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, मतलब अलग ही वाइब थी यार यहाँ पे, बहुत मतलब बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ केदारनाथ जाना था, मतलब बेस्ट जो मैंने चीज़ करी अपनी लाइफ की वो केदारनाथ जाना ही था, और हमेशा वही रहेगा। एंड बहुत ही मेमोरेबल डे था, और बहुत ही अच्छा लगा इन भाइयों से मिलके, और भी भाई बहन मिले जो भी, उन सबका ही शुक्रिया जिन्होंने भी अपना प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एंड खाने के लिए यही मिला, दाल चावल, तो खा के चलते हैं। एंड ये प्रसाद है, तो ये प्रसाद 500 समथिंग रुपए का मिला, एंड लाइन भी इतनी लंबी थी कि क्या ही बोलूँ, बहुत टाइम से लाइन पे लगे हैं, और अब जाके बारी आई है, मतलब आई भी क्या है अभी तो, मतलब आप पहुँच गए मतलब एक तरह से, धक्का ना करो वीर जी। सो अब तो 50-100 मीटर ही है केदारनाथ मंदिर, देख सकते हो कितना प्रिटी लग रहा है, और ये पेंटिंग इतनी प्रिटी बनाई है ना जिसने भी बनाई है भाई, मानना पड़ेगा, बहुत ही मतलब क्या ही बोलूँ, ये जगह इतनी प्यारी है, आहा मज़ा ही आ रहा है भाई, यहाँ की हवा, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का पहाड़, यहाँ का मंदिर, यहाँ के लोग, यहाँ की हर जगह बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, क्या ही बोलूँ, अमेजिंग। और पहुँचने वाले हैं, बस चलते हैं, तो देखो बहुत करीब है गाइस, पहुंचने वाले हैं पूजा करके, वहाँ तो अंदर फ़ोन अलाउड नहीं होगा ना, तो चलते हैं लेट्स गो। सो पता नहीं ये घंटी लोग दो दो हाथ से उठा के भी नहीं उठा पा रहे थे, ट्राई कर रहे थे इसको बजाने के लिए, तो पता नहीं मैंने सोचा मैं क्यों ना ट्राई करूं। एंड इस घंटी का वेट कम से कम 80-200 या फिर 120 kg समथिंग हो सकता है, मतलब मुझे ऐसा लगा इसे उठा के,
एंड बहुत ही आसानी से उठा लिया, बहुत ही मज़ा आ गया, क्या ही बोलूँ, इतना आसान लगा कि क्या बताऊँ। सो मैंने सोचा अब एक हाथ से ट्राई कर ही लेते हैं, अब डेड लिफ्ट की तरह ही है। तो मैंने इसमें जब इसको मैंने उठाया तो बहुत आसान लगा, जब मैंने इसको मतलब पीछे के लिए बजाना था ना इसे टकरा के, तो ऐसा लगा मैं रिस्ट कर्ल्स कर रहा हूँ। बहुत ही तगड़ा लोड आया फोरआर्म पे, बहुत मज़ा आ गया उठा के, सब शॉक हो गए थे, मैं लोगों का एक्सप्रेशन दिखाना भूल गया। सो हो गए दर्शन और अभी रूम पे जा रहे हैं, फिर ब्लॉग एंड करते हैं। तो होप सो आपको अच्छा लगा हो, सो चलते हैं। सो गाइस टेम्परेचर कम होते जा रहा है, बहुत ठंड लगी है, बहुत बर्फ, और बाहर देख दो पीछे। तो चलते हैं घर, रूम पे चलते हैं, घर चलो, घर चलो, घर चलो। सो गाइस घर आ चुका हूँ, होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मेरी लाइफ का बहुत ही अच्छा पार्ट था यहाँ केदारनाथ जाना, एंड आप भी जाना अगर हो सके तो। और इफ़ यू गाइस लाइक इट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, 100K जल्दी हिट करें हम सब्सक्राइबर्स। तो पीस, जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, पीस।